हाँ 62 तक, 64 तक प्रयास करें, है ना। तो फिर कल उस पर जो क्वेरीज होंगी उनको लेंगे। तो इसलिए आज है ना इस पर चर्चा करते हैं। करें शुरू अनिल भाई। जय भाई, बढ़िया। अंकित भाई ठीक, देखिए सब आए गए हमारे बैक बेंचर्स। करें शुरू जयेश भाई। तो हम 3 बजे तक कार्यक्रम चलाएंगे, फिर जो एक दो मीटिंग्स हैं उनको भी कर लेंगे आज, जो शिक्षा से संबंधित और क्या किया जा सकता है, और आप 3 से 5 पूरा पढ़ लेंगे। बढ़िया, तो किया जाए शुरू। अच्छा हो गया। ठीक है, तो अगला जो बुलेट है, जड़ परमाणु में परस्परता में प्रभाव, वो तो हो गया ना शोभ। गठनशील परमाणु में मध्यांश में एक से ज्यादा अंश हो सकते हैं, तो जैसा उसका परिवेशी अंशों पर प्रभाव होता है, वैसे उसका परस्पर मध्यांश में ही प्रभाव माना गया है या नहीं है, क्योंकि उसको मध्यांश को हम सम विषम प्रभाव से मुक्त बोलते हैं। तो मध्यांश में जितने भी परमाणु अंश है उसका परस्पर प्रभाव होता है या नहीं। अच्छा, तो प्रश्न ये है कि मध्यांश में जितने भी परमाणु अंश है ना, उनमें परस्परता में क्या प्रभाव होता है, ये प्रश्न है। अच्छा, तो मैं जहाँ तक समझा पहले तो ये कि मध्यांश जब बोल रहे हैं तो मध्यांश सम्मिलित क्रिया है, मतलब कि जैसे हम गठनशील परमाणु की बात करें तो मध्यांश जो है ना, वो मध्य एक अंश नहीं है, जितने भी सारे अंश है ना, उनका सम्मिलित जो प्रभाव है, मतलब वही सम्मिलित बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्यांश का ही ये फलन के रूप में जो हम कहते हैं कि आकर्षण प्रत्याकर्षण विकर्षण की जो हम बात कर रहे थे, कि परमाणु में जो भी वर्तुलात्मक गति और जो ये स्पिनिंग मोशन कह रहे हैं, है ना, तो परमाणु में जिस तरह का ये कहते हैं ना कि एक तरह का जो आवर्त कंटिन्यूअस निरंतरता जो है ना, तो मध्यस्थ जो है, मध्यस्थ बल है ना, तो वो संयुक्त बात कह रहे हैं, इंडिविजुअल बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक बात है, ठीक बात। आपको कुछ ऐड करना है राकेश भाई? ठीक है, तो परस्परता में प्रभाव मिलकर ही वो जो गठन को बना के रखते हैं, सभी मिलकर बना के रखते हैं, वही परस्परता में उनका प्रभाव है। मध्यांश में जो अंश है वो भी चुंबकीय बल संपन्न है, तो उसका परस्परता में प्रभाव सम विषम हो नहीं सकता। हाँ, मध्यांश में आप जड़ की बात कर रहे हैं ना, जड़ जड़। हाँ, तो क्या रहेगा, स्वयं का बने रहना और बाकी गठन को बना के रखना, वही उनका काम है। ठीक है, ऐसा है। हाँ, तो वो तो देखिए व्यापक में जो सिद्धांत है वो संपर्कता से है, चुंबकीय बल संपन्नता जिससे वो पहचानते हैं, बाकी तो फिर परस्परता में ताप विद्युत ध्वनि से ही पहचानना निर्वाह होना होता है, और जो भी क्रियाएं होती हैं फिर उससे प्रभावित होती हैं, है ना। जो चुंबकीय बल संपन्नता है वो हर अंश में है, किस आधार पर है, वो सापेक्षता में नहीं है, वो व्यापक में डूबे भीगे गिरे रहने से है, जिस वजह से वो व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। यहां से मूल चेष्टा की बात आती है। ठीक है, तो जो गठनशील परमाणु है, जो जड़ परमाणुओं की बात कर रहे हैं, है ना, उस तरह से बात कर रहे हैं।
बताइए मनोहर भाई, कुछ और सूचना आपके पास? क्योंकि ध्वनि ताप विद्युत को हमने ऐसे समझा है कि परस्पर परिवेशीय अंशों का परस्परता में जो प्रभाव होता है, तो वो प्रभाव तात्विक रूप से देखे तो मध्यांश में भी होना चाहिए ना, क्योंकि वहां भी चुंबकीय बल संपन्नता तो है ही हर एक परिवेश में। तो जो उनकी परस्परता से दो काम हो रहे हैं, एक तो गठन का बने रहना, जो कि मध्य में जो अंश है, मध्यांश नहीं बोलेंगे, मध्य में जो अंश है उनके गठन को रखना, और उनकी परस्परता में जो जो मध्य में जो अंश हैं जो घूर्णन गति करते हैं और जो परिवेशी अंश गति करते हैं उनकी सापेक्षता में ही विद्युत, केवल ऐसा नहीं कि परिवेशी अंशों की वजह से, तो वो परमाणु का सम्मिलित प्रभाव है फिर। तो जो चुंबकीय प्रभाव की बात कर रहे थे वो तो व्यापक में ही डूबे भीगे गिरे रहने से, वो परस्परता में नहीं है, ऐसा सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि वो मध्यांश है, उसका जो लोकेशन है, क्योंकि वो मध्य में है। तो देखिए, कोई भी इसमें जो सिद्धांत दिया गया है कि अंश जैसे भी हैं उनकी लोकेशन से ही उनका अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग भूमिका है। ठीक है, ऐसा प्रभाव दिया हुआ है, तो क्योंकि वो मध्य में है इसलिए बाकियों से वो प्रभावित नहीं रहता है। जड़ परमाणु में ऐसा ही है। ठीक है भैया, इसको मध्यांश को शून्याकर्षण में है ऐसा बोल सकते? मध्यांश शून्याकर्षण में है, जो परस्पर एक हाँ, से ज्यादा है हाँ, तो वहां पे शून्याकर्षण है, इसलिए उस पर कोई इसलिए कोई प्रभाव नहीं। बहुत बढ़िया बात, शून्याकर्षण का मतलब क्लियर हुआ, ये आ गया है या आएगा, क्योंकि आपने किया हुआ है, बाकी सब आपको पता है शून्याकर्षण, क्योंकि आकर्षण बाद में शून्याकर्षण आएगा, तो थोड़ा और उस समय क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आकर्षण विकर्षण और शून्याकर्षण क्या चीज है, ठीक है ना प्रीतम भाई, कबीर भाई आगे बढ़ लेते। शोभ है ना, तो शोभ भी यहाँ शब्द आया है, तो कौन सा का बात कर रहे? 31 पेज पे जड़ परमाणु में परस्परता में प्रभाव। अच्छा, फिर शोभ की बात कर, शोभ की भी बात है ना। ठीक है, तो ये शोभ जो यहाँ लिखा है कुल मिला के 31 पेज पे ना, ये क्षमता एवं योग्यता को क्षम में परिवर्तित करने पर जो रास है उसकी शोभ संज्ञा है, यही पात्रता की अपूर्णता है ना। तो ये कह रहे हैं कि अस्तित्व में जिस तरह से हम कह रहे हैं कि जड़ परमाणु में भी है ना हर इकाई अपना अग्रिम विकास चाहती है, तो जो विकास क्रम विकास कह रहे हैं है ना, तो जो यहाँ पे जड़ में भी क्षोभ की जो बात कह रहे हैं, एक्चुअली अभी हम दो तरह के बात कर रहे हैं। चैतन्य में भी हम क्षोभ आया कि हम जैसे हमने पढ़ा था कि श्रम का क्षोभ ही विश्राम की तृषा है, तो वो जब चैतन्य में हम बात कर रहे थे वहाँ भी है, अब जड़ में भी क्षोभ का यहाँ पे बात किया है, तो कुल मिला के वो अग्रिम विकास चाहती है। तो उस अर्थ में है ना ये जो शोभ शब्द है वो यूज़ किया गया है एक्चुअली, कि जो जो फल चाहिए वो फल उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो आगे की उन्नत प्रक्रिया के लिए परस्परता में नैसर्गिकता बस प्रेरणाएं हैं, तो जो इकाइयां हैं इकाई के आसपास भी इकाइयां हैं ये उसकी नैसर्गिकता है, और ये नैसर्गिकता बस जो प्रेरणाएं हैं है ना, तो उसमें अग्रिम विकास के लिए है ना एक स्थिति बनी रहती है एक्चुअली, इस अर्थ के पूरी बात है एक्चुअली है ना। तो जड़ में भी ऐसा है और चैतन्य में तो हम देख ही रहे हैं कि जैसे मन वृत्ति में परस्परता में जो विषमताएं हैं है ना, अभी क्योंकि मन जो है वो वृत्ति के संकेत को ग्रहण करने योग्य नहीं बना है, तो वो क्षोभ का कारण है। जैसे ही वृत्ति के संकेत ग्रहण करने योग्य मन हो जाए तो वो मन वृत्ति बीच में है ना उसमें एक सूत्रता हो जाएगी, इस अर्थ में बात कह रहे हैं एक्चुअली अभी यहाँ पे। क्षमता एवं हाँ
हाँ, तो ये जो देखिए, पहले ये देखना होगा कि ये बुलेट को पढ़ते हैं, ठीक है। ये बुलेट के कंस्ट्रक्ट में स्पष्टीकरण है, परिभाषा। तो कह रहे हैं कि पदार्थ अवस्था में सभी प्रजाति के परमाणु के अंतिम परिवेशी अंश ही श्रम पूर्वक सक्रिय रहते हैं अथवा अग्रेषण क्रिया में रत रहते हैं, ठीक है। ये तो इसके इस संदर्भ में क्षोभ को यहाँ बताया है कि क्षमता एवं योग्यता को सम में। राकेश भाई, इससे ऐसा लगता है कि है ना, इसको पढ़ने से कि क्षोभ यहाँ नहीं है, क्षोभ एक्चुअली में 33 में है, है ना, चैतन्य इकाई में है, क्षोभ चैतन्य में ही होता है, इसमें वो अग्रेषण में ही रत रहते हैं। हाँ, वो है ना, वो प्रिंटिंग का गलत लग रहा है, पदार्थ वास्तव में क्षोभ नहीं दिखाई। हाँ, देखिए पदार्थ वास्तव जो ब्लड, अभी इन्होंने ब्लड पॉइंट पढ़ा ना, उसमें क्षोभ तो नहीं लिखा है, वो अग्रेशन क्रिया में रहते हैं ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। और क्षोभ आ रहा है 33 पे जब भ्रम मुक्ति अथवा जागृति, तो है ना, और वो क्षोभ ही दुख अथवा क्लेश है, तो वहाँ पे है। नहीं नहीं, क्षोभ का परिभाषा दिया है लेकिन क्षोभ का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। हाँ, तो जो क्षोभ क्षोभ की बात है ना, तो वो पदार्थ अवस्था में क्षोभ नहीं है, वो वहाँ पे जो भी श्रम श्रम गति परिणाम वहाँ पे होता है वो अग्रेषण क्रिया यानी अगली उन्नत अवस्था के लिए होता है, एक उन्नत अवस्था से अधिक उन्नत अवस्था के लिए होता है। जैसे पदार्थ अवस्था में जो भी श्रम होता है, जो भी क्रिया होती है, वो प्राणावस्था के लिए होती है, प्राणावस्था के जो भी क्रिया है वो जीवावस्था के शरीरों के लिए होती है, तो उस अर्थ में वो अग्रेषण क्रिया में रत रहते हैं, ऐसा बोलते हैं, जो भी श्रम उनमें हो रहा है। और जो क्षोभ की बात है वो ज्ञानावस्था के साथ में है, तो जब भी हम कोई श्रम करते हैं तो उसका कोई फल परिणाम चाहते हैं, जब भी हम श्रम करते हैं तो फल मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, फल कितने रूप में मिलता है हमको, हाँ, मतलब किस रूप में मिलता है फल, जो भी हम श्रम करते हैं उसका फल किस रूप में मिलता है, कितने कितने तरीके से उसका फल मिलता है हमको। तो सिर्फ दो ही फल होता है, या तो सुख होगा या दुख होगा, फल हमेशा सुख या दुख के रूप में ही मिलता है। तो जो भी हम श्रम करते हैं वो सुख के लिए करते हैं कि दुख के लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं, लेकिन जब भी हम श्रम करते हैं तो हमेशा सुख मिलता है क्या, तो श्रम तो कर रहे हैं सुख के लिए पर सुख मिलता नहीं, बदले में मिलता है दुख, उसकी खुशी होती है कि क्षोभ होता है, बस वही क्षोभ है वो। तो जो भी हम श्रम कर रहे हैं वो विश्राम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्षोभ होता है वहां पे, इसलिए फिर हमको विश्राम की तृषा होती है, यानी विश्राम हमको पाना है, इसका फिर हम प्रयास करते हैं विश्राम तक पहुंचने का। तो जो हम हमारी जो भी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार हम श्रम करते हैं, वहां पे हमको उसका फल सुख के रूप में नहीं मिलता, दुख के रूप में मिलता है, तो हमारी पात्रता बढ़ती है। तो इसीलिए कहा गया कि जो जो ह्रास होता है ना, वहां पे आके फिर क्षोभ होता है हमको, विकास की बजाय ह्रास होता है। तो नहीं नहीं क्षोभ नहीं, वो पदार्थ अवस्था के लिए नहीं है, वो अग्रेषण की बात है वो। हाँ, क्षोभ पदार्थ अवस्था के लिए नहीं है वो, नहीं नहीं, वो पदार्थ अवस्था में क्षोभ नहीं होता, अग्रेषण होता है पदार्थ अवस्था में। देखिए, नहीं नहीं, योग्यता योग्यता और पात्रता तो मानव के लिए है, पदार्थ अवस्था के लिए नहीं है। नहीं, इनका कहना है कि अग्रेषण में भी क्षमता में योग्यता कह रहे हैं, अग्रेषण क्रिया में, ऐसा ही कह रहे हैं। हाँ, अग्रेषण की परिभाषा देखेंगे।
क्षमता एवं योग्यता को श्रम में परिवर्तित करने से जो संतुलन अथवा पात्रता का अर्जन है उसकी अग्रेषण संज्ञा है। इसको स्पष्ट करें। हाँ, है ना। तो देखिए, तो एक तो मानव के अर्थ में ही हम अभी योग्यता पात्रता तो समझ रहे हैं, यहाँ पे कैसे क्षमता और पात्रता। तो हर परमाणु को अगर देखें तो परमाणु के लेवल पे भी उसमें क्षमता है कि वो गठन पूर्णता तक जा सकता है ना, जा ही सकता है ना। पर सारे ही गठन पूर्ण बनेंगे ऐसा आवश्यक नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्षोभ नहीं है, वहाँ पे इसलिए क्षोभ नहीं है। लेकिन जो उसकी क्षमता है कि कोई भी परमाणु सारे मिलकर जो भी रचना कर पाते हैं उनमें सब में क्षमता है कि वो मिलकर कोई अगले यथास्थिति, कोई अगले परमाणु की स्थिति को या कोई रचना में भागीदारी करेंगे, इसलिए वो अग्रसर है। तो उसी के लिए श्रम है। तो उसमें क्षमता पात्रता जो उसका गठन है, गठन से जो एक से एक दूसरे को पहचानने निर्वाह करने की जो क्षमता है और उसको पहचानने की जो क्षमता है और निर्वाह करने की जो योग्यता है वो बराबर बनी हुई है। पर वहाँ पे क्षोभ नहीं है क्योंकि पदार्थ अवस्था तो है ही है, बनी हुई है वहाँ पे, इसलिए ह्रास नहीं, इसलिए क्षोभ नहीं है, है ना। तो उस क्रिया में वो आगे की स्थिति को परिवर्तन करने में जो संतुलन है, अब संतुलन किस अर्थ में है ना। तो पदार्थ अवस्था बनी हुई है, पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था का जो संतुलन है वो बना ही हुआ है, उस अर्थ में ये संतुलन बना रहता है। तो उस क्रिया में वो अग्रेषण है कि जो भी जड़ परमाणु है आगे की स्थिति के लिए हमेशा श्रमरत है, इस तरह की बात कर है। पूरा अग्रेषण है, बिल्कुल है ना। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसा फल चाहते वो नहीं मिला, तो उस तरह का वहाँ पे क्षोभ नहीं है जो ज्ञान अवस्था में दिखता है कि हम आगे की सुख पाना चाहते हैं, उस श्रम उसके लिए कर रहे हैं, है ना, लेकिन वैसा फल परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो हम क्षुब्ध हो जाते हैं। ठीक है विजय भाई। हाँ जी बताइए जी। अगर हाँ जो जो शब्द जो बोलता है एक्चुअली हाँ अगर कर, पर जो में अगर समाया हुआ है ऐसा कह रहे हैं। श्रम में परिवर्तित करने पर कोई भी कार्य करते हैं, श्रम करते हैं, वर्क डन होता है ना। अगर अभी भी देखें तो बल और शक्ति मिलकर कुछ करते हैं, वर्क करते हैं, वो श्रम होता है ना, होता है ना। सिंपल बात है, देखिए है ना, बहुत ही सिंपल बात है। सिंपल उदाहरण अगर ले लें, हम घर में कुछ मेहनत करते हैं, है ना, खाना बनाते हैं, क्या उसमें मान लीजिए खीर बनाने जा रहे हैं, दूध है, चावल है, डाला और हमको गलती से नमक डाल दिया। अब खीर को खाने में क्षोभ होगा कि श्रम तो किया, हमारी योग्यता है, क्षमता है, हमने सब उसको परिवर्तित किस में किया, श्रम में। श्रम का मतलब श्रम किया उसको, लेकिन जो फल परिणाम पाना चाह रहे थे वो नहीं हुआ तो क्षोभ हो गया। अब वो ह्रास हो गया, ह्रास कैसे हो गया, अब जो हमारी योग्यता पात्रता से जो हमने मेटेरियल लगाया वो मेटेरियल ही नहीं बचा तो उसका क्षोभ हुआ, ये ह्रास की स्थिति हो गई। हाँ, तो विकसित करना होगा उसी को। वो क्षोभ से ही फिर हम समझने की तरफ जाते हैं, पीड़ा से ही हमको फिर लगता है कि कुछ आगे कुछ और किया जाए, कुछ समझा जाए, जिसको हम कह रहे हैं कि अगर प्रस्ताव नहीं है तो ट्रायल एंड एरर मेथड से आगे बढ़ना चाहते हैं कि ऐसा नहीं तो कर करके देखना चाहते हैं। अगर हमको ये प्रक्रिया नहीं पता है तो अभी हमारा सुखी होने का तरीका क्या है, ट्रायल एंड एरर कर करके देखते हैं भाई। तो योग्यता कुछ तो है ही, क्षमता तो पूरी है ना, तो उसके हिसाब से हम करते रहते हैं, ह्रास होता रहता है, फिर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि हमारी पात्रता बढ़ जाए, कुछ अच्छा समझ में आ जाए। तो ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है। ठीक है, अब क्षुब्ध की पराकाष्ठा है तो वो निराशा है और उसके बाद तो फिर है ना, पर कहानी तो खत्म नहीं होती, ज्यादा ज्यादा आप शरीर छोड़ सकते हैं। तो क्या हुआ, क्षोभ वसी हुआ ना। जी भगवती बहन,
ह्रास तो नहीं कहेंगे, जैसे अब पेट्रोलियम है और ऑक्सीजन है, आप मिलके है ना कुछ गर्म कर लेते हैं, तो पदार्थ में इसलिए क्षोभ नहीं कह रहे ना। नहीं, पदार्थ में इसलिए क्षोभ है ना, पदार्थ में जो भैया कह रहे हैं, बम तो बम मानव बनाता है, वो मानव के लिए क्षोभ है, ऑक्सीजन और पेट्रोलियम के लिए क्या क्षोभ है। हाँ, अब मानव के करने से, अब अगर धरती को वैसे कह नहीं सकते, धरती क्षुब्ध हो गई, पर हम धरती क्षुब्ध थोड़ी बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई या है ना धरती अनुपजाऊ हो गई कुछ करने से, पेस्टिसाइड डालने से या है ना, तो वो एक अलग स्थिति है, ह्रास की स्थिति कहेंगे उसको। उर्वरक धरती, उपजाऊ धरती, फर्टाइल लैंड अगर कैसी हो जाती है, नॉन फर्टाइल हो जाती है, अनफर्टाइल, तो ह्रास तो हुआ पर धरती क्षुब्ध हो गई, ऐसा नहीं, वो फिर प्रयास करेगी अग्रसर के लिए। वैसे अभी भी जो भी मानव की क्रियाकलाप से कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो धरती तो संतुलन करने का प्रयास कर ही रही है, उधर टेम्परेचर बढ़ता है, उधर आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ताकि कुछ तो संतुलन बनता रहे। तो जैसे हमारा शरीर बीमार होता है, वो ठीक करने की कोशिश करता ही रहता है, हम अगर अपने करने से उसको बिल्कुल उस सीमा तक लेते हैं, तो डॉक्टर की तरफ जाते हैं, फिर भी वो ठीक तो अपनी योग्यता क्षमता से ही होता है, वो क्षमता है ही उसमें, है ना। लेकिन जीवन जो उसको कर रहा है प्रयोग, वो अगर ऐसी स्थिति के ले जाता है, तो वही वही उसको परेशानी है। पर शरीर क्षुब्ध होता है ऐसा नहीं कहना बनता है, क्षुब्ध तो जीवन ही होता है। ठीक है भगवती बहन, विजय भाई चला जाएगा, कबीर भाई क्या नेक्स्ट। हाँ क्या ना, तो ये तो वैसे हो गया, वैसे हमने बात हाँ बात हो गई थी इसमें, और बहुत देखिए ये परंपरा का शब्द है, ठीक है ना, ब्रह्म मुक्ति वाली बात है। तो सभी जन मतलब जो जीव चेतना में जीने की प्रवृत्तियां हैं, वो सभी जन है, शरीर से सुखी होने की जो प्रवृत्तियां हैं, है ना, ठीक है ना, क्या है लास्ट, मानव में ही होता है सभी जन, वो बीज देखिए ठीक बात है, ये क्लियर कर लिया जाए। नहीं, जीव चेतना मानव के लिए बोला गया, जीवों के लिए जीव चेतना नहीं बोला जा रहा है। देव मानव में भी सभी जन किस अर्थ में है, जो पहले दिन मैंने एक्सप्लेन किया था, है कि जब जीव चेतना में जीता है तो शरीर के प्रति आसक्ति है ना, शरीर से सुखी होने का चित्रण है, प्रवृत्तियां हैं, इसको सभी जन बोल रहे हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, सभी जन ऐसे बोला। लेकिन अब आप जागृत हो गए, अब आपको प्रमाणित होने के लिए शरीर की आवश्यकता है, ठीक हो गया बात, इसको भी अभी सभी जन ही बोल रहे हैं। अब आप पूरी तरह भ्रम मुक्त हो गए, यानी कि अब प्रमाणित हो गए, अब शरीर की आवश्यकता भी खत्म हो गई, उस स्थिति को निर्बीजन बोल रहे हैं, आचरण पूर्णता को निर्बीजन बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन वो सभी जन वहाँ पे उसको पॉजिटिव अर्थ में बोला गया है, जीव चेतना में सभी जन को थोड़ा सा नेगेटिव अर्थ में बोला गया, थोड़ा सा क्या है? मतलब वो भ्रम है तो बीज बराबर वहाँ पे भ्रम, ये बीज नहीं जो प्राण अवस्था वाला बीज है जिससे पौधा उगता है, क्योंकि परंपरा में कर्मों को बीज की संज्ञा दी गई है, बीज के समान माना गया है, परंपरा में कर्म संस्कार को बीज की तरह बोला गया है, इसलिए उसको सभी जन को अब जैसे हमने पहले दिन बात की थी ना, दर्शन को कैसे पढ़ना है, पहले मूल बातों को पढ़ना है, तो मूल बातें बहुत स्पष्ट हो जाती, फिर परंपरा के कुछ शब्दों को साथ साथ क्लियर करते चले जाते हैं कि अब मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में सभीजन किसको कहेंगे और निर्बीजन किसको कहेंगे। तो निर्बीजन मतलब शरीर की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, तो आप निर्बीजन हो गए, ऐसा है। ये आगे आएगा, फिर कैवल्य भी एक आता है, तो वही कैवल्य पद को भी बोलते हैं, एशना मुक्त भी बोलते हैं, है ना, तो कई सारे वो टर्मिनोलॉजी है उसके साथ। ठीक है विवेक भाई, सीमा बहन जी, हाँ कुछ मतलब चतुराई पूर्वक उसको बताने की कोशिश की है। तो बाबा जी ने बोला कि आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई मरे हुए शब्द में हमने जान डाल दी है। देखने का तरीका है ना, वही है ना, कोरिलेशन कर रहे हैं या कोरिलेशन हो रहा है, मतलब नियम है,
तो शब्द तो वही रहेंगे, है ना, है ना। तो सही कह रहे हैं बाबा जी से, ये भी पूछा गया था भाई मैं नई भाषा भी घड़ सकता था, ऐसा वो कहते हैं, है ना, कि वो है ना संस्कृत के भी प्रकांड पंडित रहे तो कह रहे हमारे पास अधिकार है सूत्र बनाने का, है। हाँ हाँ, तो ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ तो शब्द हैं ही, लेकिन उनको नए ढंग से परिभाषित कर दिया है ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाए। हाँ जी, आगे थर्टी फोर्थ का लास्ट बुलेट है ना, ग्रहण विसर्जन निग्रह अनुग्रह संग्रह उदारता के। हाँ ठीक, तो इसमें जैसे सुख की आकांक्षा है ना, तो उसके क्या क्या प्रकार हैं, किस किस प्रकार से हम सुखी होते हैं और हम उसका प्रयास करते हैं, उसके लिए ये सब शब्द दिए हुए हैं, जैसे ग्रहण विसर्जन निग्रह अनुग्रह संग्रह और उदारता के भेद से सुख की आकांक्षाएँ हैं। तो ग्रहण का मतलब क्या, क्या ग्रहण करने से हम सुखी होंगे और किसका विसर्जन करने से हम सुखी होंगे, तो क्या ग्रहण करना है, किस चीज़ को विसर्जित करना है, तो जो सार्थक है उसका ग्रहण करना है, जो निरर्थक है उसका विसर्जन करना है, अगर उल्टा कर देंगे तो फिर हम दुखी होंगे, जो निरर्थक है उसको ग्रहण कर लेंगे तो हम दुखी होंगे। निग्रह का मतलब होता है नियंत्रण, तो किन चीजों में नियंत्रण करना है, क्या क्या चीजों को नियंत्रित में करना है, तो जो संवेदनाएं हैं उनको नियंत्रित करना है, संवेदनाओं से सुखी होते हैं, सुखी होने का प्रयास करते हैं पर सुखी नहीं होते, तो संवेदनाओं को नियंत्रित करना है, उस अर्थ में निग्रह है, तो सुखी होंगे हम, संवेदनाओं को नियंत्रित करने से हम सुखी होंगे। ठीक है, संवेदनाएं नियंत्रित कैसे होंगी, संवेद स्वयं को शरीर मान के जीते हैं तो संवेदनाओं से सुखी होने का प्रयास करते हैं, मैं जीवन हूं और शरीर मेरा साधन है, जब ये मान के चलेंगे तो फिर संबंधों में सुखी होंगे, व्यवहार से सुखी होंगे, न्याय करके सुखी होंगे, तो संवेदनाएं नियंत्रित होगी तो फिर हम सुखी होंगे। तो निग्रह मतलब किसको नियंत्रित करना है, संवेदनाओं को नियंत्रित करना है। अनुग्रह क्या हुआ, तो अनुक्रम पूर्वक ग्रहण करने की प्रवृत्ति, जो भी चीज़ हमको ग्रहण करना है वो किसी अनुक्रम से ही ग्रहण होगी, उसका कोई क्रम होगा ग्रहण करने का, तो वो जो प्रवृत्ति है उसको बोलते हैं अनुग्रह। अब वो क्या क्या चीज़ को ग्रहण करना है और किस अनुक्रम से ग्रहण करना है, तो ये पूरा सुबह जो बताएं ये, तो ये उसका क्रम होएगा, जो यहाँ पे दिए पठन श्रवण मनन निधि ध्यासन अनुभव, उससे क्या चीज़ ग्रहण होएगा, तो भास होएगा, आभास होएगा, प्रतीति होएगी और अनुभूति होएगी, तो ये पूरा क्रम है, इस क्रम से हम सार्थक चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो हम सुखी होंगे, उस अर्थ में वो अनुग्रह है। फिर संग्रह क्यों करते हैं, सुविधाओं का संग्रह करते हैं, धन का संग्रह करते हैं, क्यों करते हैं, संवेदनाओं को अनुकूलता मिलती रहे और अनुकूलता की निरंतरता बनी रहे, जो भी संवेदनाएं हैं जिसको सुखी होने का हमने साधन माना हुआ है उसकी निरंतरता बनी रहे, उसलिए धन का संग्रह होता है, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए पूरी हो जाए, हमारी शरीर यात्रा के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उपलब्ध रहे, उसके लिए संग्रह होता है, पर वो करके सुखी हो जाए ऐसा कोई रास्ता दिखता नहीं, या अभी तक ऐसा कोई प्रमाण मिला नहीं कि संग्रह से हम सुखी हुए हों। इसको जांच सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाकी भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जांचना है, संग्रह से ऐसा कह रहे हैं संग्रह से सुखी नहीं होते हैं, ठीक बात बताई जा रही है क्या रत्नमाला बहन, ख्याति बहन, ये ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आपका इसका हमको अर्थ समझ में नहीं आ रहा कि ये ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। संग्रह जड़ वस्तु का ही है, क्या लगता है प्रीतम भाई, संग्रह से सुखी होते हैं कि नहीं होते, बैंक बैलेंस बढ़े हम सुखी नहीं होते, होते हैं। देखो इसलिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा रुक रहा हूँ कि भाई इसको जांच लिया जाए, है ना मनर भाई, वो भ्रम होता है सुख का, ऐसा बोल रहे हैं मनर भाई, है जी, असुरक्षा
हाँ होते नहीं हैं। आप ये सोचिए कितना पैसा इकट्ठा करके आप चिंता मुक्त हो सकते हैं, या चिंताएं बढ़ती हैं संग्रह से। भय मुक्त, पीड़ा मुक्त, द्वंद्व युक्त सिद्ध है ना, हो जाते हैं क्या संग्रह करके? हाँ इसको जांच लिया जाए, है ना, इसीलिए तो मैं रुका यहाँ पे, है ना, इसको बिल्कुल जांचा जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे रुका हूँ, क्योंकि हम हमारी ये मान्यता रहती है ना, सुख का आधार संग्रह है, निश्चितता है। हाँ सिक्योरिटी उससे मिलती है क्या? या उसके लिए उसको बैंक लॉकर में डालना पड़ता है, घर में रखोगे क्या? इसको जांचे, ये तो कह रहे हैं। हाँ जी कुछ कह रहे हैं योगिता बेन मैनर? ढांचे में है, हाँ। उसमें कभी जरूरत पड़ती है तो हमको उस टाइम पे उस नीड को फुलफिल करने के लिए हमको चाहिए। अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर हेल्थ का इश्यू हो या एजुकेशन का इश्यू हो तो वो बिना पैसे के पूरा हो जाए। हाँ। जैसे हमारे बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन के लिए हमको पैसा पे करना पड़ता है, हम बीमार होते हैं तो पे करना पड़ता है, तो इनसिक्योरिटी वश भी हमको थोड़ा संग्रह करना पड़ता है ऐसा। तो अभी आप क्या कह रहे हैं कि सुविधा की, जो अभी इन्होंने कहा कि हम हमारी इंद्रियों के लिए, शरीर के लिए, साधन के लिए कुछ निश्चितता दिखती है, पर वो सुखी नहीं होते, तो कह रहे हैं यही कह रहे हैं, वो सुकांक्षा कहाँ पूरी हो रही है? यहाँ तो सुकांक्षा की बात कह रहे हैं। तो संग्रह से आपको खाने पीने की निश्चितता थोड़ी दिख सकती है, वो भी उससे नहीं होती एक्चुअली। अगर कल को आपके पास बैंक बैलेंस में हो सकता है 5 करोड़ रुपए हैं, है ना, लेकिन पानी खत्म हो जाएगा। वो बता रहे थे मैंने जो, तो देख लीजिए बैंक अगर NPA इतने इकट्ठे हो गए किसी भी समय वो, है ना जी। मानो बहुत सारा है तो मोबाइल कितने में मिलता, तो बोले कि भाई मोबाइल था ही नहीं तो कैसे मिलता, तो बोले कि भाई पैसा उससे वो जुड़ता है या फिर वस्तु है तो आप पैसे देकर कुछ ले सकते हो, अगर वस्तु ही नहीं है तो आप कितना भी दोगे कहाँ से वो मिल पाएगा। बहुत बढ़िया बात, तो वही कह रहे हैं कि आपकी निश्चितता भी कहाँ चले जाएगी, अगर पानी और पॉल्यूशन और धरती अनुपजाऊ हो गई तो फिर पैसे काम आएगा क्या लगता है? अब निश्चितता बनती है? अब हम क्या करें, ऐसा है प्रकृति में एग्जाम्पल क्या ऐसा हो रहा है, हम बना थोड़ी रहे हैं, कल्पना थोड़ी कर रहे हैं भाई। कल को अब वेनेजुएला में हो रहा है, इंडिया में नहीं हो सकता, ऐसी कोई गारंटी है क्या? नोटबंदी हुई, अब हमारा कुछ था उसमें? बहुत लोगों का हिल गया भाई, संग्रह तो खूब था, कल को कोई और ऐसा कानून बना सकते हैं, ऐसा ढांचे में तो हम जी रहे हैं। तो संग्रह से हम निश्चितता चाहते हैं, ये ढांचा ही संग्रह की निश्चित से कुछ नहीं दे पा रहा है। सुकांक्षा तो दूर की बात है, अभी सुकांक्षा की तो बात ही नहीं कर रहे, जिस पर्पज के लिए कि शरीर बना रहे, शरीर के लिए संग्रह कर रहे हैं ना बेसिकली, तो सुख के लिए तो हो भी नहीं रहा है, सुकांक्षा तो हो भी नहीं वहाँ पे, वो भी निश्चित नहीं कर सकते, एक बियॉन्ड ए पॉइंट है ना, करना नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे, पर पता रहे कि अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, करो लेकिन बैंक अकाउंट को बड़ा करो, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, हो ही नहीं हो सकता, ठीक बात है, तो इसलिए धन का ही संग्रह करते हैं और उससे हम आश्वस्ति चाहते हैं, तो वो बहुत इल्यूजरी है, इसी को देखना है एक्चुअली। लेकिन ये सम्मोहन इतना ज्यादा है जितना कि क्या, कि फेयर एंड लवली से हम गोरे हो जाएंगे भाई, वो सम्मोहन है कि नहीं है? नहीं तो बिकेगी क्यों? ये पता होते हुए भी कि नहीं होते हैं शायद, क्या पता हो जाए चांस लेने में क्या बुरे? तो क्या पता संग्रह से, सभी लगे हुए संग्रह करने में, तो क्या पता सुखी हो जाए भाई, जिन्होंने किया हुआ है उनसे पूछो, जिन्होंने हमसे ज्यादा किया हुआ है, पर ये सम्मोहन है, मतलब हम सब कलेक्टिव, इसको एक फ्रेंच फिलोसफर ने प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस कहा है,
प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। क्या कह रहे हैं कि हम सब ऐसे काम में व्यस्त होते हैं जो इंडिविजुअली चाहते हैं कि नहीं होने वाला है, लेकिन मिलकर करते हैं। इंडिविजुअली पूछा जाएगा तो शिक्षा, हर बच्चे, हमको भी पढ़ने में मजा नहीं आता था, लेकिन सारे मिलकर स्कूल में बच्चों को भेजते सुबह उठ के, उठ बेटा। खुद को पढ़ने में मजा नहीं आता है, खुद को बोलो किताब लेके बैठो जरा, नहीं 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 अरे होमवर्क कर। तो इसको कहते हैं, इसी को भ्रम बोल रहे हैं, है ना। उन्होंने थोड़ा एक अलग शब्द दिया है, कलेक्टिव इग्नोरेंस, कि सम्मोहन है, तो सभी लगे हुए हैं तो हमको लगता है कहीं हम ना छूट जाए, क्या पता उससे खुश हो गए। तो आस्था ऐसी चलता है, ये भय प्रलोभन वाला कार्यक्रम है। हाँ ठीक बात, बजट, बचत और संग्रह में फर्क है, सेविंग और एक्यूमुलेशन, अंग्रेजी में बोले तो, हिंदी में बचत और संग्रह। वो प्रकृति में भी है, आप गेहूँ है ना एक समय सीजन में उगाते हैं लेकिन साल भर खाते हैं, तो थोड़ा बचा के रखना ही पड़ेगा, है ना। तो वो नियम को पहचानना है। संग्रह जो जिस अर्थ में कह रहे हैं, वो हमको पकड़ में तो आ रहे हैं, इकट्ठा करना, जिसके पीछे जिंदगी को लगा देना, उसको संग्रह कह रहे हैं। कि पूरा जिंदगी का कार्यक्रम ही, कि लाख हो गया तो अब 2 लाख हो जाए तो 4 लाख, आवश्यकताओं का निश्चित बने रहना और संग्रह इकट्ठा करने में लगे रहना, उसको संग्रह बोल रहे हैं। अगर आपकी आवश्यकताएं निश्चित हो गई हैं, उसके लिए आपने, है ना, तन मन धन के रूप में, सबसे बड़ा आश्वस्ति है ना तो अपने में ही, है ना, श्रम से, जो यहाँ पे प्रस्ताव है, श्रम से अगर हम कुछ कर पाते हैं। अभी हम सबकी जो हालत है ना, हम पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा परेशानी है कि हमको कुछ करना ही नहीं आता एक्चुअली। आज हमको नौकरी नहीं मिले तो हमको नौकरी के अलावा एक्चुअली आता भी नहीं है कुछ। हम ढूंढते रहते हैं यार कोई नौकर बना लो, कुछ भी करवा लो। तो अच्छा कुछ भी क्या करवाएंगे, कागज ही रखेंगे, है ना, थोड़ा ऐसे कर लेंगे, थोड़ा ऐसे कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे, है ना। हमको आता नहीं है, हमको कुछ उगा नहीं सकते, कुछ बना नहीं सकते, है ना। तो ये हमारी हालत पतली हो गई एक्चुअली शिक्षा द्वारा। क्या जयेश भाई, और हम फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जा रहे हैं तो है दुख ऐसा है। इसलिए संग्रह से कुछ नहीं, पर अभी के ढांचे में देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, इससे ये नहीं बता रहे कि अब क्या करना है, है ना, कि है ना सब छोड़ छाड़ देना है, ऐसा मैं भी नहीं कह रहा हूं। समझना है, उसके बाद में आगे के स्टेप अपने आप निकल के आते हैं। फिर हमको एक संक्रमण काल है कि यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे, तो व्यवस्था को समझेंगे, कुछ ऐसे हुनर पैदा करेंगे, तो आश्वस्ति तो उसी से आनी है। पर अब उम्र का भी सवाल है, है ना, तो कैसे, मतलब कई सारे प्रश्न आते हैं जब व्यवहारिक रूप में इसको अप्लाई करते हैं, तो उस सबके हमको जवाब ढूंढने, उसी का नाम समाधान है। कि वर्तमान स्थिति से हमेशा हमें आगे का स्थिति दिखती रहे, उसका नाम समाधान है। वो मिलता है, कहीं पे भी डेड एंड नहीं आ जाता है कि अब क्या करें, किम करते हुए मूड जैसा नहीं होता है, है ना। संग्रह भी नहीं कर सकते, आता भी नहीं है कुछ, तो क्या करें, ऐसा नहीं होता है। तो समझो भाई, है ना, समझ के फिर आएगा कि नहीं नहीं हम तो पूरी धरती एक है, तो आपस में हम व्यवस्थित होंगे, है ना। तो हम हमारे हाथ पैर नहीं काम कर रहे तो क्या हो गया, हमारे भाई बंधु हैं, उपयोगिता पूर्वकता ढूंढेंगे, हमारे पास जो है हम उनको दे देंगे, उनके पास जो है उनसे ले लेंगे, फिर उस तरफ जाएंगे। पर उसके लिए पहले है ना स्नेह का भाव, ममता का भाव, वात्सल्य का भाव, कुछ ऐसे भावों को पैदा करना पड़ेगा। वो कैसे होंगे, उसके लिए कुछ समझना पड़ेगा, फिर बात घूम फिर के कहाँ जाती है, समझना। तो इसलिए संग्रह से सुख नहीं है, उदारता में सुख है। उदारता का मतलब हाँ, असंग्रह तो ठीक है। हाँ, उसमें पैसा भी लगाना, हाँ, जो जो बैंक अकाउंट में है उसको लगाना, उसका नाम उदारता है ना। और उसमें ऐसा लगाना कि सबके लिए व्यवस्था हो जाए, जिनके पास पैसा नहीं है उनको साधन मिल जाए, और जिनके पास समझ नहीं है उनको समझ मिल जाए, और दोनों मिलके है ना कुछ कर पाए। ये डिजाइन की बात कर रहे हैं। हाँ वो दे दीजिए, बता दीजिए। नहीं, बिना पिन के और पासवर्ड के क्या मतलब है ना, ठीक है ना, आगे आगे बढ़े तो ठीक है, ये इसका मतलब है।
ठीक है, बड़े आगे। तो एक शब्द उदारता था तो वो हो गया स्पष्ट, वो उदारता तन मन धन का सदुपयोग है ना, तो वो उदारता, तो उससे भी हमारा सुख तय होता है कि कैसे वो हम सुखी होंगे, तो एक उदारता पूर्वक भी हम सुखी होते हैं। एक तो हो गया कि संग्रह करना है कि नहीं करना है उसको तय करना है, और दूसरा फिर उदारता पूर्वक तो जो भी संग्रह किया हुआ है उस धन को सदुपयोग में लगाते हैं जब हम, तो फिर उससे भी हम सुखी होते हैं। संग्रह के लिए एक बड़ा अच्छा चीज़ है, मैं मतलब उसको अप्लाई करता हूँ। जैसे दो चीज़ है कि क्यों, एक प्रश्न अपने अंदर अपने से पूछना चाहिए कि क्यों जब तय होता है ना तो फिर कितना भी तय हो जाता है। कोई भी वस्तु क्यों चाहिए, जब इसका प्रश्न हम पूछते हैं अपने आप से और उसका उत्तर लेते हैं तो फिर वो वस्तु कितनी चाहिए ये भी तय हो जाती है। वहाँ पे अनावश्यक का संग्रह रुकता है उस जगह में आके, तो एक इस तरीके से भी अपन सोच सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बहुत बढ़िया नहीं। हाँ, निग्रह का मतलब नियंत्रण। तो क्या है यहाँ पे नियंत्रण? हाँ, जैसे कि एक तो ये है कि सत्ता में संपृक्त होने की वजह से हम नियंत्रित हैं, है ना, एक तो ये है। लेकिन नहीं, जब आप बोल रहे हो नियंत्रण, हाँ, मतलब क्या? हाँ, एक तो वो, फिर उसके बाद में क्या है कि जब अब हम मानव के रूप में है तो जीवन को नियंत्रण होना है, मतलब जो आपने कहा था ना, जैसे संवेदनाएं नियंत्रित होती, तो जीवन को नियंत्रित होना है। यहाँ पे सुख की अपेक्षा है ना, तो सुख के लिए नियंत्रण की बात है। तो सुख किसको चाहिए, शरीर को कि जीवन को? जीवन को। तो अभी जीवन क्या करता है कि संवेदनाओं से सुखी होने का प्रयास करता है। कैसे? स्वयं को शरीर मान के रखता है। शरीर को सुखी करना मतलब संवेदनाओं से सुखी करना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका उपयोग करके विषयों को भोगना और उससे सुखी होना। इसको करने से सुख मिलता नहीं, तो अब संवेदनाओं को नियंत्रित करना है, उसके लिए क्या करना होगा? उसको समझना होगा। तो एक सूत्र आता है कि संज्ञानशीलता से संवेदनाएं नियंत्रित होती है। संज्ञानशीलता मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसी जान लेना, जान लेने से फिर संवेदनाएं नियंत्रित होती है। कैसे होती है? कि शरीर मेरा साधन है, जब इसको हम जान लेते हैं तो फिर ये भी तय होता है कि संवेदनाओं से सुख नहीं मिलता। सुख कहाँ मिलता है? तो मूल्य मूलक आस्वादन, लक्ष्य मूलक आस्वादन, वहां पे हमको सुख मिलता है। स्पीकर को थोड़ा ऊपर, हाँ, है ना। तो इस तरीके से जब संवेदनाओं के नियंत्रण की बात है निग्रह में, अपने संवेदनाओं को नियंत्रित करना, क्योंकि संवेदनाओं से सुखी नहीं हुआ जा सकता, और उसको नियंत्रित करने के लिए समझना क्या चीज, जो भी वस्तु जैसी है उसको वैसी समझ लेना, तो उसको बोलते हैं संज्ञानशीलता। संज्ञानशीलता होने से संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती है। तो संवेदनाओं को नियंत्रित करने का आधार है संज्ञानशीलता, तो आधार को पकड़ना। क्या कहनी डिंपल बहन? ठीक है ना, इसलिए वो दो जगह मैंने बताया था कि जागृत व्यक्ति के साथ में जब संवेदना का प्रयोग किया गया उस अर्थ में किया गया, यहाँ पे संवेदना जो इंद्रियों के साथ, थोड़ा सा शब्दों का कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक ध्यान है, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़े।